हेलो गाइस, सलाम आदाब, नमस्कार आप सभी को। कुदरत फैशन पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्लीव डिज़ाइन। सबसे पहले मैं आपको स्लीव का मेजरमेंट बताती हूँ। स्लीव की कुल लेंथ है 14 इंचेस, यानी कि 14 इंचेस। और अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए बुकरम पट्टी, पेस्टिंग वाली बुकरम पट्टी यूज़ करेंगे, जिसकी चौड़ाई है 2 इंचेस और इसकी लंबाई हम आस्तीन अपने बाजू की मूरी के अकॉर्डिंग रखेंगे, जितनी हमें बाजू तैयार चाहिए। अब हम इसके ऊपर कोई भी राउंड गोल चीज़ लेके इसके ऊपर राउंड ड्रा करेंगे। ये हमारे चैनल पर हमारी फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियो को प्यार देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। अब हम इन दोनों गोल चक्रों के दरमियान फासला रख के एक और राउंड ड्रा करेंगे। ऐसे ही पूरी पट्टी पर, पूरी लंबी पट्टी पर, बुकरम की पट्टी पर राउंड ड्रा करेंगे। दोनों गोलों के दरमियान थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ना है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग राउंड छोटा या बड़ा ले सकते हैं, जितना आपको जैसा पसंद हो। ऐसे ही पूरी पट्टी पर हमने राउंड ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसको सेंटर में से राउंड शेप में ही कटर की या छोटी कैंची की मदद से कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त बिल्कुल ध्यान से कटिंग करेंगे। अब हम बिल्कुल ध्यान से इसको सेंटर से बिल्कुल राउंड शेप में कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त बिल्कुल ध्यान से कटिंग करनी है, कहीं कटर आपको लग ना जाए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और बिल्कुल राउंड शेप में अच्छे से कटिंग करनी है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऐसे ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन देखने के लिए। ऐसे ही हम पूरे राउंड की कटिंग कर लेंगे। अब हमने पूरे राउंड की कटिंग कर ली है। अब हम 2 इंच चौड़ी और बुकरम की पीस जितनी लंबी पट्टी लेंगे और इसके ऊपर प्रेस की मदद से इसको पेस्ट कर लेंगे। कपड़े को भी बिल्कुल राउंड शेप में अच्छे से कटिंग कर देना है, थोड़ा थोड़ा क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़कर उसके बीच में छोटे छोटे से नोचिस यानी कि कट लगाने हैं। कट लगाते वक्त बिल्कुल ध्यान से लगाइए, बुकरम के ऊपर कट नहीं लगना चाहिए। अब ऐसे ही सारे राउंड कट करने के बाद हम ऐसे ग्लू की मदद से, आप अपनी मर्जी से, आपके पास जो भी अवेलेबल है, जैसे फैब्रिक ग्लू है, ग्लू स्टिक है, जिसकी भी सहायता से आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर लीजिए। मेरे पास ये थी तो मैंने इसका यूज़ किया। आप अपना जिस किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पीछे से अच्छी तरह टर्न कर देना है और इसके ऊपर प्रेस की मदद से अब हम इसको सारे को सेट कर लेंगे। मैंने सारे सेट कर लिए हैं, देखो कितनी सफाई से सेट हुए हैं। ये डिज़ाइन बिगनर्स भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब हम ऐसा कटवर्क का पीस लेंगे जो हमारे फैब्रिक में से बच जाता है, या इसकी जगह पर आप प्लेन कपड़ा या किसी भी अच्छी सी ऑर्गेन्जा कपड़े का या लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको ऐसा चिकन का कपड़ा ही चाहिए, मैंने चिकन कपड़े का यूज़ किया है जो फैब्रिक में से बच जाता है। आप लेस, चौड़े वाली नेट की लेस, ऑर्गेन्जा का कपड़ा, कोई भी प्रिंटेड कपड़ा, जैसा भी आपको अच्छा लगे उसका यूज़ कर सकते हैं। इसको पेस्ट करने के लिए, ताकि कपड़ा हिले ना, अच्छे से पहनाने के लिए हम दोनों साइड सील लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड सिलाई मैंने लगा ली है। अब सेम इसी कपड़े से मैच करती हुई
लेस लेंगे जो बाजू के ऊपर अटैच करेंगे, इन दोनों के दरमियान इनको जोड़ने के लिए फंडास का यूज़ करेंगे। सबसे पहले बाजू के ऊपर रखकर लेस लगाएंगे। यह डिज़ाइन बनकर बेहद खूबसूरत लगता है। आप इसको अपने दामन पर, ट्राउज़र पर, किसी भी जगह पर बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे मैंने एक साइड की लेस अच्छे से लगा ली है। अब हमने जो राउंड वाला फैब्रिक कटवर चिकन कपड़े की मदद से रेडी किया है, उस दोनों को आपस में मैच कर देंगे। ये देखो, मैंने आपस में दोनों को मैच कर दिया है। अब सेम इसी तरह की एक और कटवर्क वाली लेस लेंगे और इसको सीधी सिलाई की सहायता से वैसे ही अटैच कर देंगे। देखो ये डिज़ाइन बनकर कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे अब मैं आपको फिटिंग की सिलाई बाजू की लगाने के बाद, देखो डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।